कोई नहीं है, कोई नहीं है। खलील निकल जा, खलील निकल जा, खलील निकल जा, इसको कट करो और यहाँ से निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल। ओए नहीं 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 तो यार मैं आ गया एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम खेलेंगे एक न्यू गेम जिसका नाम है स्केरी मेंशन, और मैं हूँ पोस्टमैन, और मेरे पास है एक पार्सल जो कि मुझे देना पड़ेगा ग्रैंडपा को। और ग्रैंडपा का घर है ना बहुत ही ज़्यादा डरावना है यार, और मैं वहाँ पे जाऊँगा, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार बता दूं कि जैसे ही अपने इस चैनल पे यानी कि आई एम खलील पे 2 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे, हमारी हर वीडियो ना फेस कैम के साथ आएगी। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो यार। और लास्ट वीडियो में मैंने एक पजल पूछी थी, उसका आंसर होगा वीडियो के लास्ट में और शाउट आउट भी मिलेगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखना यार, और चलो यार ग्रैंडपा के घर पार्सल देने। तो मेरे पास एक पार्सल है जो कि मुझे ग्रैंडपा को देना है, और ग्रैंडपा के घर ना बहुत ही ज़्यादा डरावना है यार, पता नहीं यहाँ पे क्या होने वाला है। अबे कवे तू कहाँ से आ रहा है, डरा मत यार, मुझे डर लग रहा है। हेलो हेलो ग्रैंडपा, ओए डरा क्यों रहा है, पागल है क्या? ओ ओ ओ तो हमारा गेम स्टार्ट हो गया है। तो हमें यहाँ से निकलने से पहले ना बहुत सारे कॉइन भी चाहिए यार, हम यहाँ पे पार्सल लेकर आए, तो मुझे टिप तो चाहिए यार, मुझे पैसा चाहिए यार, मुझे यहाँ से ऐसे में नहीं जाने वाला, सीधी सी बात है मैं ऐसे नहीं जाने वाला, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। और यहाँ पे क्या करना है वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ। तो यहाँ पे तो कुछ मिलने वाला है नहीं, वहाँ पे एक टीवी है, लेकिन यार यहाँ पे मिलेंगे हमें कॉइन, जो कि एक मिल गया यहाँ पे। और इस टीवी को खोलते हैं ना तो यहाँ पे कोड आता है, ये कोड किस चीज़ का है आगे चल के मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ठीक है? पहले तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो चलते हैं, ये बुड्ढा बाबा, ओ बुड्ढा बाबा का नाम लिया और आ गया यार, बुड्ढे बाबा का नाम लिया और आ गया। ओ हो, ग्रैंडपा 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 ग्रैंडपा, निकलो निकलो निकलो, जल्दी निकलो 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 यहाँ से निकलो। तो अभी देखो हमें ऊपर जाना होगा और गेटों को खोलना पड़ेगा, गेटों को। तो ये इसको इसको बंद करो यार, जल्दी से बंद करो, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। यहाँ पे एक कोड होना चाहिए था लेकिन नहीं मिला। यहाँ पे ओए एक 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 की मिला और मुझे बहुत सारा पैसा मिला है, और वो की मुझे लेना पड़ेगा, ये है बेडरूम की। ओके बेडरूम की मिला हमें यहाँ से। तो यहाँ पे ओए कोड मिल गया, ये मुझे चाहिए यार, इसको फेंको और इस कोड को उठा लेते हैं। अब ये इससे हमें पता चलेगा, जो टीवी में कोड था ना वो हमें पता चल जाएगा, और इस बेडरूम की कोन हम बाद में उठाएंगे। ओए ग्रैंडपा बाहर ही था, ग्रैंडपा ने देखा नहीं, ओए देख लिया, नहीं देखा नहीं देखा नहीं देखा। तो जल्दी से टीवी के पास चलते हैं, और ये है टीवी, इस टीवी में ना कोड लिखा हुआ है, इस कोड को गौर से देखो। तो देखो पहले जीरो जैसा बना हुआ है, कोई है तो नहीं यार, वो आ रहा है यहाँ पे, देखो पहले जीरो जैसा बना हुआ है, अगर तुम पेपर में देखो ना तो जीरो टाइप का जो बना हुआ है वो है 5 नंबर पे। इसी तरह दो बने हुए हैं एन टाइप के, तो एन टाइप के 8 8 यानी और एक से वो जीरो है, तो कोड है हमारा 5880। ये कोड को मैच करना है और देखना है पेपर में कि कौन से नंबर पर आता है, ठीक है? तो 5880 कोड है, और ये कोड लगेगा ऊपर। तो ऊपर चलते हैं और कोड लगाते हैं और अंदर देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे कोड लगेगा और इस कोड को लगाओ यार, 5880। ओए ग्रीन हो गया, वाह खुल गया, और यहाँ से हमें मिलेगा एक बॉल, बास्केटबॉल, हा 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 हा। तो यहाँ से बास्केटबॉल को उठा लो, ओ चलते हैं, वो अंदर गया, उसको पता ही नहीं है मैं यहाँ पीछे हूँ, ये उन्हें बात। अभी देखो इस गेट को खोलने के लिए हमें इस बटन को ऑन करना पड़ेगा। ओए खुल गया खुल गया, क्या निशाना लगा है ना। तो ये काम हो गया हमारा, आधा काम हो गया है, अब हमें क्या करना है क्या करना है। ओए वो बेडरूम वाला की है ना, वो भी तो उठाना है यार, वो नहीं नहीं देखना। ओए देख लिया उसने, देख लिया उसने, कहाँ है? ओए फिर से देख लिया उसने, देख लिया। ओए बुड्ढे तू नहीं पकड़ सकता हमें यार, नहीं पकड़ सकता। अभी ये मैं नॉर्मल मोड में खेल रहा हूँ, और इससे ज़्यादा हार्ड वाला भी है, वो भी इतना मुश्किल नहीं है, कहोगे तो वो भी खेल लूँगा। तो पहले तो इस नॉर्मल से इसको क्लियर करते हैं, फिर अगर तुमने कहा तो इसको मैं हार्ड मोड में भी क्लियर करूँगा। ओके निकलो यहाँ से, देखो अभी ऊपर जाना पड़ेगा, उस बेडरूम के की को उठाना पड़ेगा, और फिर यहाँ से निकल जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे थे क्या ये? ओए बेडरूम की हमने कहाँ फेंका था यार? एक मिनट, कॉइन एक भी नहीं मिला, और बेडरूम की यहाँ पे भी बेडरूम की नहीं है यार, बेडरूम की ये वाले रूम में नहीं था, आई थिंक वो दूसरे वाले रूम में था, पता नहीं बेडरूम की कहाँ पे फेंका मैंने।
पता नहीं ये कौन सा नशा करदा है, यार मेरा हर किसी से वफा करता है। पता नहीं क्या गाना था यार, भूल गया मैं। ओके, मेरे गाने पे कोई कमेंट्स नहीं करेगा, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरी इतनी सुरीली आवाज़ तुम लोगों ने सुन ली है और फिर भी कमेंट्स करोगे तो फिर बहुत बुरी बात है। ठीक है, तो ये वाला रूम था और इसको बंद करो। और यहाँ पे था एक 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 बेडरूम की, तो ये बेडरूम की मिल गया मुझे। और तुम्हें पता है ग्रैंडपा के बेडरूम की हालत क्या हुई पड़ी है, वो भी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्वाइन मुझे फील हुआ है, क्वाइन क्वाइन क्वाइन, ओए क्वाइन मिल गया। वो बाहर से फील हो जाता है यार। अभी यहाँ पे क्या है, ओए यहाँ पे ग्रैंडपा का बाथरूम है, और ग्रैंडपा के बाथरूम में हम क्या करेंगे, पता नहीं कौन सी पर्सनल चीज़ें रखी होंगी इसमें। ओके, ओए नहीं 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 नहीं, बच गया बच गया बच गया बच गया। ओहो कहाँ से बचा यार। तो अभी एक काम करते हैं कि गिटार बजाओ। अरे वाह, आवाज़ तो अच्छी है यार। टेन 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 टेन, ओए आ गया आ गया। ओए बुड्ढे बाबा थोड़ा तेज भाग ले यार, थोड़ा तेज भाग ले। ओके, बेडरूम की लगाते हैं। बेडरूम की कौन सा वाला था, कौन सा वाला था, कौन सा वाला था? ये वाला तो खुला हुआ है, ये वाला था आई थिंक। ओके ये वाला था। ओहे बेडरूम की हालत देखो यार। तो यहाँ से आगे नहीं जा सकते, वरना आगे क्वाइन पड़े होते हैं यार। यहाँ से नीचे तो जा सकते हैं ना, देखो नीचे गया और इस एनिमल के ना सर को उठा लिया। अब देखो इसका क्या काम है, इसका ये काम है इसको ऊपर लगाना पड़ेगा और यहाँ से कॉइन उठाना पड़ेगा। और यहाँ से जाना पड़ेगा, यहाँ से भी कॉइन में उठा, यहाँ से भी कॉइन उठाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स यार यहाँ से भी कॉइन उठाना पड़ेगा। आज के लिए इतने सारे पैसे हो गए ना मेरे पास, ग्रैंडपा के पार्सल के पैसे तो निकल गए भाई। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और इस मुंडी को लगा के आते हैं। ओए मुंडी को लगाने भी नहीं देता यार ये, कितना डैश 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 ग्रैंड पा है। अभी डैश सारे फिल करो, जितने भी गालियाँ हैं इन्हें सारे डैश में डाल दो। ओके, ग्रैंड पा मैं जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ। और गया 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 गया। और वो रूम कहाँ है, रूम कहाँ है, ये वाला, इसको बंद करो। और ये वाला रूम नहीं है, फिर से मैं रॉन्ग रूम में आ गया हूँ, वो वाला दूसरा वाला रूम है। ओए ग्रैंड पा ने देख लिया क्या, ये यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है, इसको बंद करो। और ये मुंडी लगेगा यहाँ पे, और ये लग गया तो इनमें से एक पेंटिंग खुलेगा। ये वाला पेंटिंग नहीं है, ये वाला पेंटिंग होगा। ओए स्मॉल की मिल गया, हमें स्मॉल की मिल गया। इसका मतलब पता है दया, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से निकल सकते हैं, हम यहाँ से निकल सकते हैं। और ग्रैंडपा ने हमें निकलने नहीं देना यार, जल्दी से तू यार फिर से आ गया, तू नहीं पकड़ सकता, क्यों पीछे पड़ा हुआ है हमारे। ओए बच गया बच गया बच गया बच गया, चलो निकलो अभी नीचे चलते हैं। ओके यहाँ से रास्ता नहीं है, अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ यार, नीचे जाना है मुझे। ओके तो ये स्मॉल की कहाँ पे लगेगा, कहाँ पे लगेगा? ओके वो लगेगा हमारा हमारा गिटार के करीब, गिटार नहीं यार वो पियानो के करीब, एक वो पियानो के करीब एक ये है ना यार, इसको खोलो। और ये खुल गया, और ये है, वाह। किचन में देखो पिज़्ज़ा विज़ा बनाया हुआ है इस ग्रैंडपा के बच्चे ने, वो भी गरम गरम, बेचारे को खाने नहीं देंगे। आज हम गेम खेल रहे हैं, ये पिज़्ज़ा को ठंडा हो जाएगा, बेचारे का बेचारा खाया नहीं पाएगा। तो ओए 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 कटर मिल गया, बोल्ट कटर मिल गया, ये हुई ना बात। देखो बोल्ट कटर मिल गया तो इसका मतलब ये है कि आगे ना आगे आगे क्या होगा, मेन दरवाजे में ना एक जंजीर लगी होगी, उसको हमें तोड़ना पड़ेगा। अगर बोल्ट कटर नहीं मिलता तो इसका मतलब है हमें एक चाबी की ज़रूरत पड़ेगी। तो बोल्ट कटर तो मिल गया है तो हम दरवाज़ा खोल सकते हैं, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ओ मैं किधर जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, मुझे जाना है बाहर गेट की तरफ। ओए आवाज़ आ रही है मुझे, आवाज़ आ रही है, प्लीज़ अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, कोई नहीं है कोई नहीं है कोई नहीं है। खलील निकल जा, खलील निकल जा, खलील निकल जा, इसको कट करो और यहाँ से निकल जाओ, निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ निकल। ओए नहीं 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 नहीं, ओए बच गया बच गया बच गया। ओ नहीं पकड़ लिया नहीं, छोड़ दे पागल, जो बिगाड़ सकता है बिगाड़ ले। अब बाहर आना बाहर आना, ये बाहर आ ही नहीं सकता, ये भूत बाहर आ ही नहीं सकता। और मैं निकल गया, बहुत सारा पैसा लेके निकला हूँ, ग्रैंडपा के घर की पूरी चोरी कर ली और निकल भी गया हूँ यार। तो यारो कमेंट्स करके बताओ यार वीडियो कैसी लगी। और हाँ यार लास्ट टाइम इस वीडियो में मैंने एक पजल पूछा था, तो उसका आंसर क्या है ये मैं तुम्हें बताने वाला हूँ।
तो हमारे पास तीन पिक्चर थी और तीन मिरर थे, और बताना ये था कि मैजिकल मिरर कौन सा है। तो पहला वाला अगर मिरर देखो तो मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन आ रहा है, मिरर के अंदर एक और मिरर, एक और मिरर के अंदर एक और मिरर, इसका मतलब पता है, इसका मतलब ये है कि आगे भी एक मिरर लगा हुआ है जो कि रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो तुम जब नाई के पास जाते हो, बार्बर के पास जाते हो बाल कटवाने, तो वहाँ पे भी ऐसे ही मिरर लगे होते हैं। तो इससे प्रूफ होता है कि पहला वाला मिरर मैजिकल नहीं था। और तीसरा वाला मिरर में देखो तो कोई भी पिक्चर नज़र नहीं आ रही, तो इसका मतलब वो ब्लाइंड मिरर है। तो तुम देखो तो ब्लाइंड मिरर भी होते हैं, तो वो भी मैजिकल मिरर हो ही नहीं सकता। लेकिन सेकंड वाले में देखो ना, अंदर एक दफ़ा रिफ्लेक्ट नज़र आ रहा है लेकिन दूसरी दफ़ा नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब पता है, इसका मतलब ये है कि दूसरा वाला मिरर है वो है मैजिकल मिरर। तो जिन लोगों ने भी सही आंसर दिया था और मुझे जिनका आंसर सबसे ज़्यादा पसंद आया ना, वो है ये। तो आज का शॉर्ट आउट जाता है मोक्षजना, आशीष और खुशी को। तो यार अगर तुम्हें भी शाउट आउट चाहिए तो हमारे आज के पजल का सही आंसर दो और लॉजिकल आंसर दो, तो क्या पता अगले वीडियो में तुम्हें भी शाउट आउट मिल जाए। तो आज का पजल है, आज का रिडल है, आज की पहेली है, वो है ये। तो इस पिक्चर को ना गौर से देखो और मुझे बताओ इन तीनों में से कामचोर कौन है, या फिर दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं इनमें से कौन सा बंदा है जिसके पास सबसे कम वजन है, यानी कि सबसे कम वेट है। तो यार इस पजल का यानी कि इस रिडल का जवाब दो मुझे, और क्या पता अगले वीडियो में तुम्हें भी शाउट आउट मिल जाए। तो यार अगर हमारे चैनल आई एम खलील को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन भी दबा दो, क्योंकि इसका रिप्लाई दूंगा, इसका सॉल्यूशन दूंगा मैं अगले वीडियो में। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय।